नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। बिहार पीपुल्स पार्टी के पूर्व सांसद आनंद मोहन के पुत्र चेतन आनंद आज गया पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के विभिन्न प्रखंडों का दौरा किया। इस दौरान मानपुर प्रखंड में उनका जोरदार स्वागत आनंद मोहन के समर्थकों के द्वारा किया गया। इस दौरान चेतन आनंद ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि अपने पिता की रिहाई के लिए 14 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने पिता को न्याय दिलाना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने घटना का जिक्र करते हुए कहा कि जिस समय मॉब लिंचिंग की घटना घटी, उस समय उनके पिता घटनास्थल से 40 किलोमीटर दूर थे, बावजूद इसके उन्हें नामजद करते हुए जेल भेज दिया गया। इस मामले में जितने भी गवाह है वे सभी सरकारी है, एक भी पब्लिक गवाह नहीं है, फिर भी उनके पिता निर्दोष होते हुए विगत 14 वर्षों से जेल में बंद है। उनके इंसाफ की लड़ाई के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 15 फरवरी को पटना के बापू सभागार में आनंद द्वारा लिखित पुस्तक कैक्टस ऑफ गांधी के फूल का विमोचन किया जाएगा, जिसमें बिहार के सभी जिले से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता व समर्थक शामिल होंगे। बिहार से राजेश कुमार की रिपोर्ट। देखिए, पर्पस एक ही है कि अभी 15 तारीख को, 15 फरवरी को आनंद मोहन जी की किताब रिलीज होने वाली है, तीसरी किताब, जिसका नाम है गांधी कैक्टस के फूल। इससे पहले भी दो किताबें रिलीज़ हो चुकी हैं। सबसे पहली किताब थी कैद में आज़ाद कलम, और उसके बाद स्वाधीन अभिव्यक्ति, ये तीसरी किताब है। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि आनंद मोहन जी की लिखी हुई कहानी पर्वत पुरुष दशरथ, वो CBSE के क्लास 8 में बहुत पहले से चलती आ रही है। तो वो मतलब जहाँ पर ऐसे बड़े बड़े लोगों का नाम है, जिस किताब में मधुरे का नाम है किताब का, उसमें मुंशी प्रेमचंद की कहानी और महादेवी वर्मा जी की कहानी, ऐसे बड़े बड़े लोगों का कहानी है, उसमें आनंद मोहन जी की भी कहानी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ हम लोग का पटना का कार्यक्रम दो मुद्दों के लिए है। पहला तो उनका किताब विमोचन, और दूसरा जो है उनकी रिहाई, जो आज से नहीं, बहुत पहले से हम लोग इसकी मांग करते आ रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से, अगर आप FIR भी देखिएगा तो ये हिंदुस्तान का पहला ऐसा केस है जिसमें 40 पेज का FIR लिखा जाता है, और 40 के 40 पेज जो हैं टाइपराइटर द्वारा लिखे जाते हैं, जबकि लॉ कहता है कि वो हाथ से लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखिएगा, FIR में लिखा हुआ है कि 12 मिनट पहले जो हादसा हुआ उसका अरेस्टिंग 12 मिनट बाद होता है, और भी वो भी 50 किलोमीटर दूर। तो ये सारी बातें हैं FIR में लिखी हुई, सारे के सारे जितने लोगों ने गवाही दिया, सारे सरकारी